आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बहुत ही महान हस्ती आ गई टेलीफोन पे, उनसे बात करते हैं और आपसे सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब बहुत बहुत मुबारक है और बहुत बहुत खुशी हुई आपसे आपका आवाज़ सुन के। पूरी साथियों को बताना चाहता हूँ, पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि साउथ हम में कितने हमारे मुसलमान आज प्राउड हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट दी है, जिनका आप माशाल्लाह मशगूल भी हैं, शुक्रगुजार करेंगे इन मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर हमारा रेडियो आवाज़ एफएम साउथ हम आपके लिए मशगूल है कि आपने जी हमें याद भी किया है और आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं जी आगे फ्रंट सीट पे माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए क्या कहेंगे आप अपने उन कर्म फरमाओं को जिन्होंने आपको वोट दी और आज आपको इज्जत दी। कहते हैं जी वह इज्जत मंद शाहो वह जिल्ल मंद शाहो, अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत भी आती है जिल्लत भी आती है, मगर साथियों को भी बड़ा बड़ा हाथ होता है उसके अंदर, साथियों भी बड़ी उसके कोशिश करते हैं कि जो अच्छा आदमी है उसका साथ दिया जाए। क्या कहेंगे आप जी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका साहब, जो आपने इतनी मेरी तारीफ की है इतना मैं काबिल नहीं हूँ इतनी तारीफ का। ये जो आपका यू नो आपकी ब्यूटी है आपकी जो ये इसे सोचते हैं, सो थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा इज्जत ये तो अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं कम्युनिटी को सर्व कर सकूँ। 2018 में मैं काउंसलर बना था समथिंग में जी, और चार साल मेरे खत्म हो गए तो मैं फिर खड़ा स्टैंड हुआ एज ए काउंसलर और अल्हम्दुलिल्लाह यस्टरडे हमारे रिजल्ट आए तो मैं फिर जीत गया हूँ। ओवरवेलमिंग सपोर्ट जी, तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जी, उन सब जितने वोट दिया है नहीं भी दिया है सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी उन्होंने रोल प्ले किया है मेरी कैंपेन में। बेशक बेशक बेशक। आपका जो ये प्रोग्राम है जी बहुत अच्छा है, मैं रेगुलरली सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। आवाज एफएम तो हमारा घर का रेडियो स्टेशन है जी, बिल्कुल। एंड जैसे आप लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, यू नो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स अ फैंटास्टिक जॉब आवाज एफएम में। लास्ट टू वीक्स पहले मैं इधर आया था डिबेट के लिए जी जी कैंडिडेट से जी, और आपका उस डिबेट की वजह से जो आवाम है उनको पता चलता है कि हमारी क्या पॉलिसीज है, हमारी क्या एजेंडा है जो हम लेके आने वाले हैं, तो लोगों को पसंद आया जो मैंने कहा रेडियो स्टेशन पे जो मैंने प्रेजेंट किया है जी, वो डिबेट हुई है जी, उस वजह से हमें जो वोट मिले हैं वो रिफ्लेक्शन है उसकी। आपका जानना इस तरह से सर आंखों पे, मगर मैं जानता हूँ कि आपकी माशाल्लाह एबिलिटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं जी, माँ जी बासी है कंध कड़े पर जासी, तो आपके माशाल्लाह वालदैन आपके एंसेस्टर सारे के सारे सियासत में थे, और आप जब आए हैं जब से आए हैं माशाल्लाह आपने जो लोगों की खिदमत की है, लोगों से आपने बातचीत की है, लोगों से तारीफ किया है, लोगों के काम किए हैं माशाल्लाह, उसका भी सर आपके सर पर जाता है। और सबसे बड़ा सिरा तो मैं आपके वालिद मोहतरम के सर पर भेजना चाहता हूँ जिन्होंने भी बड़ी जद्दोजहद से आपका साथ दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और उनका भी, और हमारे रेडियो पर तशरीफ लाए ये तो हमारी खुशकिस्मती है। साई अक्सर कहता है कि जो टेलीफोन करता है ना जी मेरे प्रोग्राम में, तो साई का दिल हो जाता है जी गार्डन गार्डन, तो मैं यहाँ बैठा हूँ जी आपके लिए तो बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए, और हकीकत में ये सेहरा आपको जाता है कि मैं कहता हूँ जो लोग हिम्मत नहीं हारते आगे आते हैं। आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है ना आजकल पाकिस्तान में सियासत लेते हैं, सच पूछे तो मैं सियासत से बिल्कुल दूर हूँ, मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, तो सियासी लोग अपनी सपोर्ट करते रहे, मैं ये कहता हूँ करनी है ना सियासत तो यहाँ करो जैसी आपने की, और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यंग मैन कि आपने यहाँ सियासत की है, और खाम खा उल्टे सीधे नारे नहीं लगाए लोगों के लिए जिनको हम ना जानते ना कुछ, और पाकिस्तान में बैठे सारे आपने यहाँ काम किया है, चार साल के मुकम्मल हुए, आपने पहली दफा भी बहुत वोटें ली है, और मेरे ख्याल में साउथ अपने शहर में शायद ही उस वक्त किसी काउंसिल ने इतनी वोटें नहीं थी जितनी आपने ली है, और इस दफा माशाल्लाह आपने 2230 वोटें हासिल की हैं। फिर तो मुझे इल्म नहीं है, मेरा ख्याल में हो सकता है आप इस वक्त भी टॉप पे हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ये जो सपोर्ट है ना, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एज अ काउंसलर एज अ पॉलिटिशियन हम कोई एक जात या बरादरी या कोई एक रिलीजन या कल्चर को सपोर्ट या अकोमोडेट ना करें। हमारा काम हमने सबसे काम करना है, जो हमारे साथ हम तुमने
मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी वास्ट है, उसमें अफगान भी आ जाते हैं, अफगानी है, सोमाली है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, और कंट्रीज के हैं, फिर सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, फेथ नॉन फेथ जितने भी हैं, हम सबके साथ काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी उनके इश्यूज है पॉलिसी जो है ना वो रिजोल्व कर सके। सही सही सही। और ये जो 2230 वोट मुझे मिले हैं ये सब कम्युनिटी के मिले हैं और ये एक टेस्टिमोनी है कि हम जो काम करते हैं, जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, नारे तो लगाते रहते हैं सारे, लेकिन जो हमारी पॉलिसी होती है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और आई थिंक दिस इज द टेस्टिमोनी कि हमने सबके साथ जो है ना कोशिश किया काम करने के लिए तो रिजल्ट आ गया। तो इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। पॉलिटिक्स में मैं कहता हूँ कि आवाज ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपका प्रोग्राम भी है, वेलकमिंग है हमारे जो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये आवाज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों नहीं जी, आप देखिए वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू स्क्रच माई बैक एंड आई स्क्रच योर्स, आपकी स्पोर्ट से ही सारा कुछ आया है, हमें लाइसेंस मिला है माशाल्लाह, और ये जितने भी हमारे लिसनरशिप बढ़ेगी उसी से हमारा भी मामला चलता है। और ये मैं कहूँ कि हमारी वजह से आप है, नहीं नहीं आपकी वजह से हम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमारा प्रोग्राम नंबर वन नहीं है, मगर आप लिसनर जो है वो नंबर वन जरूर है माशाल्लाह। और वैसे मैं दावे से कहता हूँ आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यंग मैन, कि आपके बाकी साथियों का मुझे खास पता नहीं है, आपके जो मुकाबले में खड़े थे मिस्टर प्रीति पाल सिंह, उनको सिर्फ 430 वोट मिले हैं। आपको बड़ी खुशी होगी कि जितनी हमारी हिंदू कम्युनिटी है और सिख कम्युनिटी है उनमें से बहुत सारे लोगों ने आपको वोट दी है, और यकीनन आपका उनके साथ रब्ता भी होगा। और बाकी जैसा आपने कहा कि आप किसी एक रेस के लिए नहीं काम कर रहे, किसी एक रिलीजियस के लिए काम नहीं कर रहे, किसी एक सेक्ट के लिए काम कर रहे, विच इज वेरी वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू यंग मैन, यू हैव अ फ्यूचर अहेड, आई एम श्योर दैट एवरीथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस ऑन योर वे। ऐसा है कि दुनिया में बेटा जैसे करोगे वैसे भरोगे, ये तो सुना ना आपने तो इसलिए जो है वो वैसे तो कुदरती बात है, इंसान दुनिया में किसी को 100% खुश तो नहीं कर सकता, मगर अगर मेजॉरिटी को खुश कर लेता है तो उसका रिजल्ट ऐसे ही आता है जैसे आपने किया 2230 वोट्स फ्रॉम दिस इलेक्शन। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, हर किसी आदमी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन मेन चीज है जो मेरी एडवाइस होगी, यू नो लाइक जो पॉलिटिक्स में करना चाहते हैं या वॉलंटरी, जरूरी नहीं कि पॉलिटिक्स ही हो, वॉलंटरी हम काम भी करते हैं, चैरिटीज के लिए काम करते हैं, नंबर वन नेक नियति लेके काम करना चाहिए, यू नो समाज के लिए काम करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए, कि हम कोशिश करनी चाहिए कि हमने ये अचीव करना है। समटाइम नहीं हो सकता, बजट भी अलाउ करता या पॉलिसी भी अलाउ नहीं करती, लेकिन ये हमने कोशिश करनी चाहिए, जब हम कोशिश हार जाएंगे तो फिर उसके आगे फिर कुछ भी नहीं होगा, ये छोटी सी चीज जो है ना हम अचीव नहीं कर सकते। और जो अपोजिशन में खड़ा था वो एक्चुअली एक सिख ब्रदर का कैंडिडेट था, लेकिन यू नो मेरे को एक ब्रदर की कोई वोट ऊपर रिलाई नहीं किया, हमारे मुस्लिम बहुत बड़ी कम्युनिटी है इधर, उनका बहुत अच्छा तावन रहा है, सिख कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, उनका भी तावन रहा है, ये जो काम किए तो उन्होंने फिर यू नो नहीं, मैंने जो बात की है वो बिल्कुल 100% सही है, आप उसमें जरूर एग्री करेंगे कि अगर किसी एक रिलीजन की वजह से होता है या किसी एक सेक्टर की वजह से होता है तो फिर शायद आपका चांस कम था, क्योंकि यहाँ पे हमारे बाकी बरादरी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बरादरी है माशाल्लाह, और उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, और मैं रेडियो आवाज़ की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप भी उनका शुक्रिया अदा करें। और ये तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाया है, इसीलिए आपके साथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और लिसनर्स को ये भी बता दूं कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, शुरू में जो मैंने उर्दू लर्न की है वो आपने सिखाई है मुझे, आपकी क्लासेस में जाता रहूं। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं जी, उर्दू क्लासेस हमारी अब भी जो है वो शुरू है वहाँ पे, और बच्चे भेजा करें, और मैं तो कोशिश करता हूँ जी, अब भी पढ़ाते हैं रजविया मस्जिद में, और हमारा जो स्पेशल लेसन होता है 11 से लेकर 1 बजे होता है सैटरडे एंड संडे, और उसमें मोस्ट वेलकम है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने याद रखा है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत मुझसे आप सीखे हैं, मगर अबिलिटी आपकी है, ये याद रखिए, क्योंकि कोई भी उस्ताद हो, हाँ बिल्कुल नहीं, अबिलिटी आपकी है, और सबसे ज्यादा ये जो है ना पढ़ाना सिखाना ये जाता है वालदैन को, अगर आपको वालदैन ना भेजते मेरे पास, जैसे आप बहुत सारे वालदैन जो नहीं भेजते, तो ये बच्चों की कोई कसूर नहीं है, वालदैन का कसूर है। आपको अगर कोई थोड़ी सी उर्दू आई है, कोई थोड़ा सा मेरे वो स्कूल का आपको याद है, तो फिर ये तो सेहरा जाता है जनाब बशीर अहमद कटारिया साहब को, कहा वैसे उनको भी मुबारकबाद देनी है, कहीं मिल सकते हैं टेलीफोन पे वो भी?
जी मैं देखो इधर ही होंगे, इधर ही होंगे, जरूर बात करिए। मगर आप अपनी बात की आज मैं आपको खूब टाइम देता हूँ, आज आपका दिन है माशाल्लाह, और आपने हमारा दिल सिर्फ फोन करके गार्डन गार्डन ही कर दिया, आपने इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीत कर भी हमें खुश कर दिया बहुत। जी बिल्कुल, और उर्दू के हवाले से जब ये एक बात करना चाहता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो ये जो लैंग्वेजेस है लाइक उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, जो हमारी लैंग्वेजेज है, और हम समझते हैं कि यू नो ये देसी लैंग्वेजेज है, हमें कभी काम नहीं आएंगी, और हम यू नो हम बोझ नहीं करते हम लर्न करना, सही बात है। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा है, जब मैं छोटा था वो तो वाले साहब मुझे भेजते थे आपकी क्लासेस, मैंने यही तो कहा ये लैंग्वेज का क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा होगा। बिल्कुल, आज जो है ना आज मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप बिजनेस में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, वॉलंटियर वर्क में जाते हैं, आपको दुनिया के हर अलग एरिया से आदमी मिलेंगे, और जो उर्दू लैंग्वेज है इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, और पंजाबी बहुत लोग बोलते हैं हमारे यहाँ, जो लैंग्वेजेज आएंगे तो आप उनके साथ एंगेज कर सकेंगे, अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती तो हम उनके बदले कैसे डेवलप करेंगे। काश आज के बाद जो नहीं भेज रहे बच्चों को वो भेजे आपकी बात सुन के। मुझे उर्दू में आती तो आता मेरा वोट ही छाइना होता, नहीं वैसे भी खैर आप ज्यादा तो आपका ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कम्युनिकेशन के लिए जितना भी आदमी सीख ले इतना ही कम है, इंसान दिन दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और आपकी माशाल्लाह अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ ही आपने स्टडी किया सब कुछ किया है, तो उसकी भी जरूरत है, अपनी जबान अपनी जबान होती है इसमें कोई शक नहीं है, और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ आप आए हैं, आपके वाल साहब है, अगर आपकी सबको थैंक्स खत्म हो गई, अगर नहीं तो दोबारा किसी सब अपने वोटरों का थैंक यू अदा करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है जी, फरमाइए, और अपने वाल साहब को लगे जरा उनको भी मुबारकबाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसको है कहा माशाल्लाह, कोई पार्टी वूटी हो रही है, कोई केक खिला रहे हैं जी, जनाब यकीन मेरी बात हो रही है जनाब चौधरी मोहम्मद बशीर कटारिया साहब से, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मुबारकबाद है जी आपको, के कहते हैं कि औलाद नेक निकले तो माँ बाप का होता है बड़ा नाम, और यही हाल है कि औलाद निकले नहीं तो फिर बदनाम भी माँ बाप होते हैं, इसका सिर आप पर जाता है जी। अभी अभी तो गी साहब बता रहे थे कि आपने कहीं उर्दू लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे कि आपने भेजा था स्कूल में, तो मुझे अभी याद भी नहीं है, तो अब उन्होंने सिखा, आपके बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद है जी मेरी तरफ से आपको, मुबारकबाद है जी मेरी तरफ से आपको, स्टूडियो की तरफ से आपके सारे हमारे जितनी टीम है उनकी तरफ से, आवाज रेडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको माशाल्लाह, आपको मुबारक हो कि आप लोगों की वजह से तो ये कामयाब होते हैं। नहीं जी उनकी एबिलिटी है जी, बहुत उनकी एबिलिटी है माशाल्लाह, और मैंने पहले बात की है उनसे कि सब कम्युनिटी ने उनकी मदद की है, सब कम्युनिटी ने उनके वोट दिए हैं, और माशाल्लाह लास्ट टाइम जब उन्होंने 2018 में जरा सामने आए थे तो बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त भी, और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका में जितने कौंसल थे सबसे ज्यादा बढ़कर वोट ही नहीं की थी, और इस दफा भी मैं अभी तक तो मैं जांच नहीं कर सका, और लगता है कि हो सकता है इस दफा भी सबसे ज्यादा वोट ही नहीं की हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यानी आप तो देख चुके होंगे कि पूरे साउथहैम्पटन में 16 काउंसिल हैं माशाल्लाह, काउंसिल 48 हैं ऑल टुगेदर, 16 जो वार्ड से उनमें से एक एक होता है साथ, तो जो जितने भी जीतने वाले हैं सब जीतने वालों से ये पहले हैं जिनकी सबसे ज्यादा वोट थी और अभी है। मैं आपके तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मतलब सपोर्ट दिया तोहीर को और ये काम किया, ठीक है ना? बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का जी, थैंक यू वेरी मच आपका, अल्लाह ताला आपको और इज्जत बख्शे जी, अल्लाह ताला और दिन दुगनी और रात चौगुनी आपको और इसमें बेहतरी से बेहतरी जनाब मिले, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी। समीन ये थे हमारे काउंसलर साउथहैम्पटन के जो न्यूली इलेक्ट हुए हैं, लास्ट नाइट उनका रिजल्ट आया है जी, और बड़े अच्छी वोटों पर उन्होंने हिस्सा लेकर इलेक्शन जीता है, लेबर से ताल्लुक है इनका, और ये दूसरी दफा इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और बड़ी अच्छा लगा
और आके उन्होंने सब साथियों का शुक्रिया अदा किया, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, गाय बगाय हमारी भी बड़ी सपोर्ट करते हैं वो, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको खुश रखे और अल्लाह ताला हर नए काम करने वालों को ऐसे ही अचीवमेंट देता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम है आवाज़ एफएम साउथहैम्पटन जो कि हर होता है जुमे के दिन मैं नातिया प्रोग्राम लेकर आता हूँ जी, इसका नाम है नातिया महफिल, और मेरा एक और प्रोग्राम होता है जो होता है ट्यूसडे के दिन जहाँ उसका नाम है हम तो सा, उसमें मैं कोई गाने वगैरह आपको सुनाता हूँ आपकी पसंद के या कुछ, इसमें नातें होती हैं जी, आप पढ़ें या आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट करें तो मैं आपके लिए वो नातें जो है पेश करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अगली नात जो है जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के लिए और आपके लिए खसूसन पेश करता हूँ जनाब तौकीर साहब और आपके पूरे ख़ानदान के लिए, ये नात हाफिज़ सफ़ी आसिफ साहब की आवाज़ है और बयान कुछ ऐसा है। मुझे राहत नहीं हासिल यहाँ पल भर मेरे आका, तड़प है गुम्बदे खजरा चलो उड़ कर मेरे